Contribution in maintaining rule of law, public order, and internal security effectively and efficiently to preserve national integrity, to promote social harmony. एकता दिवस, राष्ट्रीय एकता दिवस जो आ रहा है 31 अक्टूबर, सरदार वल्लभ भाई पटेल का, उसके उपलक्ष्य में पूरे हिंदुस्तान से, तीन जगह से, कन्याकुमारी, कश्मीर और शिलांग, इससे महिला बाइक रैली CRPG निकली है। उसी क्रम में ये कल फ्लैग ऑफ हुए थे मेघालय से, आज और कल ही फ्लैग इन हुए गुवाहाटी रात्रि विश्राम के बाद, ये आज फिर फ्लैग ऑफ हुए, जिसमें हमारी स्पोर्ट्स मिनिस्टर नंदिता गुरलोसा मैम आई और हमारे सीनियर अधिकारी थे, और ये यहाँ से फ्लैग ऑफ होके अब बोनगाई गांव जा रही है। और ये पूरा जो रास्ता है ये करीब 3000 किलोमीटर का है, तो समय समय पे वो काफ़ी सारे डिफरेंट डिफरेंट जगह पे रुकेंगे और फिर आगे बढ़ते रहेंगे। ये पूरा जो कार्यक्रम है ये असम के मिनिस्ट्री ऑफ सोशल वेलफेयर के साथ मिलके, उनके संयोजन से एक साथ मिलके हम लोगों ने इसको किया है। तो नारी शक्ति को दिखाने के लिए, उसको प्रदर्शित करने के लिए, नारी शक्ति की, नारी की जो शक्ति है उसको उजागर करने के लिए ये पूरा कार्यक्रम किया गया। और उसी लिए हमने मैडम से भी रिक्वेस्ट किया था कि वो आए और इस ओकेजन को ग्रेस करें, और मैं उनका भी बहुत बहुत आभारी हूँ। CRPF का तरफ से एक बाइक रैली, वुमेन बाइक रैली, विच इज़ इनिशिएटिव फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसमें पार्ट लिया है फ्रॉम नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट। कल शिलोंग से वो लोग यहाँ आए हैं, दैन यहाँ से वो लोग जाएंगे थ्री कवरिंग थ्री कॉर्नर्स, एक श्रीलंका, श्रीनगर सॉरी, एक कन्याकुमारी एंड एक फ्रॉम शिलोंग, दैट इज़ फ्रॉम गुवाहाटी। दे विल गो एंड देन दे विल मीट ऑन 31st of October ऑन द डे ऑफ यूनिटी। यहाँ पे गुजरात पे जाके उन लोगों अंडर द स्टैच्यू दे विल बी कल्मिनेटिंग टुगेदर।